दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं आ गया हूं दिल्ली से उत्तराखंड। आज मैं आपको उत्तराखंड दिखाऊंगा और उत्तराखंड में मैं आया हूं दोस्तों देहरादून में। अच्छा, देहरादून बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों। यहाँ पे देहरादून अक्सर लोग आते हैं कि भाई मंसूरी के रास्ते में पड़ता है देहरादून, उनको लगता है सिटी है, कंजेस्टेड है, बट दोस्तों यकीन मानो देहरादून में बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है। उनमें से आज एक टूरिस्ट प्लेस की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है टपकेश्वर महादेव टेम्पल। ये टपकेश्वर महादेव टेम्पल मैं आपको पहले दिखाऊंगा दोस्तों, इसका इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रहस्यमय मंदिर है महादेव का। तो आप मेरा एक बार पीछे से लुक लीजिए, इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एंट्रेंस है टपकेश्वर महादेव की। तो दोस्तों इसी रास्ते से हम अंदर चलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाऊंगा। लोकेट पहले आपको दोस्तों मैं कर देता हूँ, ये जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है ये गढ़ी कैंट एरिया में पड़ता है, जो एग्जैक्टली देहरादून से 6 किलोमीटर कैंट एरिया है, तो गढ़ी कैंट इसको बोलते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं यहां पे गेट पे टपकेश्वर महादेव टेंपल के। और दोस्तों एक बात बताऊं, ये आपको मंदिर जो है यहां पे टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं, इवन ये वर्ल्ड से कई टूरिस्ट यहां पे आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये मंदिर जो है महाभारत और रामायण का टाइम का मंदिर है। मैं आपको भी एक बार आप बाहर से व्यू लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर दृश्य मेरे को दिख रहा है। सराउंडिंग मंदिर की बहुत अच्छी है। अभी हम अंदर चलते हैं और आपको मैं इसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ मंदिर की, और साथ में आपको महादेव के दर्शन भी करवाता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा इस मंदिर की हिस्ट्री बताऊं। बोलते हैं कि ये यहाँ मान्यता है कि ये जो है अश्वत्थामा का जन्म यहाँ हुआ था। अश्वत्थामा वो जो गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, उनके पुत्र थे अश्वत्थामा, जो माना जाता है कि आज भी जीवित है, उनका जन्म इसी स्थल पे हुआ था। और अंदर मैं आपको जो शिवलिंग दिखाऊंगा दोस्तों, वो धरती से अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है। सो मैं आपको ज्यादा नहीं बताता, मैं आपको दिखाता हूँ और उसके साथ साथ आपको बताता हूँ। तो कमन गाइस, तो दोस्तों मंदिर के मुख्य द्वार तक आने के लिए 108 सीढ़ियां हैं, जो 108 सीढ़ियां चढ़ के नीचे उतर के मैं यहाँ पे इस समय पहुंच चुका हूँ। दोस्तों मैं अंदर जाने से पहले आपको इसकी एक मान्यता बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। अच्छा, उनमें से एक मान्यता ये है कि यहाँ पे जो अश्वत्थामा का जन्म हुआ था, कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने यहाँ पे 12 साल तपस्या की थी। तपस्या से खूब खुश होकर जो है महादेव ने उनको दर्शन दिए और उन्होंने यहीं पर ही अपने लिंग की स्थापना करी, और अंदर जो शिवलिंग बना हुआ है दोस्तों कहते हैं कि वो प्रकट हुआ था ये। और उस शिवलिंग के ऊपर जो है चट्टान से दूध की एक धारा उस समय आती थी, जो बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर आती थी। आज के टाइम अभी भी वो धारा आती है, बट वो अब पानी टपकता है, तो इसलिए वो जो टपकता है इसलिए उसको टपकेश्वर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध है। सो दोस्तों मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको, आगे जाके आपको और इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ का सुंदर नजारा, सुंदर दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये जो रास्ता है ये जा रहा है वो प्राकृतिक गुफा की तरफ लेके चलेगा, जो महादेव जहाँ पे प्रकट हुए थे। एक आपको मैं और यहाँ से दिखाता हूँ, जो वैष्णो देवी की गुफा है वो यहाँ पे बाद में निर्माण किया गया। ये भी बहुत भव्य अंदर से गुफा बनी है, बट ये बनाई हुई गुफा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। पहले मैं आपको वो प्राकृतिक गुफा दिखाता हूँ जिसके दर्शन से लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। देखिए ये रास्ता है, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये चूना पत्थर के जो है पहाड़ है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको ये भैरव जी की मिलती है। तो ये देखिए, ये हम इस समय गुफा के अंदर जा रहे हैं और इसका नजारा देखिए, बहुत खूबसूरत नजारा। ये नेचुरल पहाड़ है, बनाया हुआ नहीं है, नेचुरल पहाड़ है, और अंदर से ये गुफा जहां हमको प्राकृतिक रूप से शिवलिंग जो प्रकट हुए थे वो देखने के लिए मिलेंगे।
तो दोस्तों ये मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ वो शिवलिंग के जो धरती से अपने आप प्रकट हुआ है। बहुत दुर्लभ शिवलिंग है जिसके आप अभी दर्शन करेंगे। और ये यहाँ से आप पानी देखते हैं, ये अपने आप यहाँ से टपकता है पानी। वो देखिए शिवलिंग के ऊपर से पानी आपको टपकता हुआ दिख रहा है, वो सदियों से वो टपक रहा है पानी जो अभी तक बंद नहीं हुआ, नेचुरल। तो दोस्तों ये है वो प्राकृतिक गुफा जिसके अंदर मैं दर्शन करके आया हूँ। मैं आपको अंदर वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं थी, बट आप बिलीव करो गुफा के अंदर जाके इतने से छोटे से शिवलिंग बने हुए हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं और ऊपर से तब तक पानी जो है चट्टान से निकल रहा है, जो कहते हैं कि महाभारत टाइम रामायण टाइम का निकल रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब यहाँ का व्यू देखो आप, तो ये है माता वैष्णो की गुफा वाला मंदिर। तो अभी मैं ये देखिए पानी के रास्ते से होता हुआ यहाँ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एडवेंचर सा एक रास्ता छोटा सा दिया हुआ। ये है माता की प्राकृतिक गुफा जो आप दर्शन करवा रहे हो। जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसा लगा आपको यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि में आके और टपकेश्वर महादेव के दर्शन करके जो प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है, दोस्तों आप बिलीव करो बहुत सुंदर बना हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरे साथ यहाँ घूम के अच्छा लगा हो, यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करके अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में मुझे हर हर महादेव जरूर बोलना दोस्तों। और अगर आप देहरादून आते हो तो यहाँ पे दर्शन करने आना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करो। मैं मिलता हूँ आपको एक नई डेस्टिनेशन पर।